ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल की आय सीमा पूरी होने के बाद राज्य सरकार ने लक्ष्मण झूला पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में लक्ष्मण झूला के बाद राम झूला की आवाजाही बढ़ गई है, लिहाजा राम झूला पुल पर पड़ रहे अत्यधिक भार से भी खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा लोक निर्माण विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजकर राम झूला पुल से दोपहिया वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाने और पैदल यात्रियों की संख्या को सीमित करने की बात कही है। आपको बता दें, लक्ष्मण झूले पर फिलहाल आवाजाही को रोक दिया गया है और इसके बजाय राम झूला पर लोगों की आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान आवाजाही के चलते वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर खतरा मंडराने लगा है ज्यादा अत्यधिक भार होने के चलते। और ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि इस पर भी आवाजाही को रोक लगाई जाए, सीमित यहां पर यात्रियों को रखा जाए, क्योंकि राम झूले पर लगातार यात्री यहां से गुजरते हैं और उसके टूटने का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही दोपहिया वाहनों पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। झूला पुल बनते हैं या सड़क हम बनाते हैं तो उसकी लोड कैपेसिटी भी एक निर्धारित होती है। अगर लक्ष्मण झूला में खराबियां आई हैं तो उसका कारण भी यही रहा कि कभी इस बात की चिंता नहीं की गई कि उसको लोड निर्धारित मानकों के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसलिए जो राम झूला है उसको भी एक लिमिट है कि पर स्क्वायर मीटर कितना वेट उसको बर्दाश्त करने की उसकी क्षमता है। तो उन मानकों के हिसाब से हो सकता है कि अधिक लोड उस पर हो, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई वो खतरे में है, खतरे वाली कोई स्थिति नहीं है। उसकी लिमिट के हिसाब से चलना चाहिए, उसका ध्यान रखा जाएगा।